उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार आगरा कमिश्नर अनिल कुमार जनपद मैनपुरी पहुंचे। जैसे ही वह मैनपुरी पहुंचे, जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मैनपुरी के पुलिस लाइन में जिले में तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए बन रहे 989.35 लाख की लागत से बन रहे 32 निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता का जायजा लिया। साथ ही 31 मार्च तक काम पूरा करने की ठेकेदारों को चेतावनी दी। वहीं कमिश्नर ने जिला जेल में 526.46 लाख रुपए की धनराशि से 300 कैदियों के लिए बन रहे 10 कैदी बैरिंकों का भी निरीक्षण किया। वहीं जेल अधीक्षक को चेतावनी दी कि बैरिंकों में दरवाजे और जंगले भी होने चाहिए। इसके बाद मंडला आयुक्त अनिल कुमार ने महिला अस्पताल के प्रांगण में 237.88 लाख रुपए की लागत से बन रहे बर्न यूनिट का भी निरीक्षण किया। यहाँ बिजली के खुले तारों को देख कर वह नाराज दिखे। उन्होंने इन्हें ठीक करवाने के लिए तत्काल विभाग को आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाए जा रहे लाइन में निर्माणाधीन आवासों, बर्न यूनिट, जेल में कैदी आवासों की गुणवत्ता को देखकर वे संतुष्ट दिखे। इसके अलावा मंडला आयुक्त गोला बाजार के प्राथमिक विद्यालय में एक चौपाल लगाकर लोगों के बीच जाकर लोगों से संवाद करते हुए बिजली, पानी, आवास और कंबल वितरण को लेकर लोगों की समस्याएं सुनी। मंडलायुक्त ने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ विकासखंड सुल्तानगंज के ग्राम पाल पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। साथ ही शिक्षा और विकास कार्यों का जायजा लिया। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आए थे इससे पहले जो पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो आवास बन रहे वो देखा, जिला अस्पताल में जो बंद वार्ड है उसको देखा है, और जो जेल के अंदर जो बैरक बन रही है उसको हमने देखा है। सर क्या क्यों कोई खामियां मिली इनका वो? नहीं, खामियां तो नहीं कहेंगे, पर यह है कि जो हमारे टीम कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको हम लोगों ने, जो हमारे PWD के जो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है उनको हमने जांच के लिए भेजा है। वैसे जो पुलिस लाइन में जो कार्य था उसकी वर्कमैनशिप अच्छी है, और जो हमारा बर्न वार्ड था वो भी लगभग बनके तैयार हो गया। उसमें कुछ बिजली के इशू है तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए कहा गया। सर अगर जनपद मैनपुरी की बात करें, लगभग 580 ग्राम पंचायतें, सरकार की मंशा है कि क्रिया जो शासन की योजना है क्रियान्वयन सही तरीके से, तो किस तरीके से आप लोग तय करते हैं आज फलानी ग्राम पंचायत में फलानी जगह आज हमें चौपाल लगाना है? क्योंकि 580 ग्राम पंचायतों में तो एक दिन में नहीं आया जाता, तो जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है उसमें हम लोग एक बार जब विजिट करते हैं उसमें एक गांव में जाते हैं, और उसी से क्योंकि लगभग सभी गांव में एक जैसी स्थिति होती है तो उससे वहां की जो कार्य योजनाएं हैं उनके बारे में गांव वालों से पूछते हैं, और उसमें कोई खामी है तो मालूम चलता है, कोई सुझाव देने तो वो मालूम चलता है, या कोई और डिमांड है तो मालूम चलता है, तो इससे एक असेसमेंट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या परिस्थिति है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।